राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं की सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी देने वाला एकमात्र यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी इन हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो हम जानकारी देने वाले हैं राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 के बारे में। मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब जारी होने वाला है, साथ ही साथ आपके ऑनलाइन फॉर्म डेट क्या रहने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो दिल से इसे जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और राजस्थान की पल-पल के अपडेट जानना चाहते हैं तो इस चैनल के रेड बटन पर क्लिक करके ऑनलाइन स्टडी इन हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बने इस घंटे के चिन्ह पर भी क्लिक करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मेरे द्वारा कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो आपकी जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी और सबसे पहले उस भर्ती परीक्षा के बारे में जान पाएंगे। आपके मन में दोस्तों वीडियो संबंधी कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं की अपडेट के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करो। दोस्तों इस न्यूज़ के अंतर्गत मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब जारी होगा, साथ साथ आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म कब भरी जाएगी वो सारी जानकारी देने वाला हूँ। ये न्यूज़ दोस्तों पत्रिका की है। यहाँ पर दोस्तों नीचे की तरफ बताया गया है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में 8600 और एसआई के 706 पदों पर भर्ती है, जल्द ही यहाँ पर पढ़ना है। यहाँ पर लिखा है ये 12 जून का यार दोस्तों न्यूज़ है, रात को लगभग 1:01 पर यहाँ पर पब्लिश हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों जो बताया गया मैं आपको संपूर्ण जानकारी दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पुलिस मुख्यालय में पुलिस भर्ती की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कहा गया है कि रिक्त पदों को भरने के लिए 8600 कांस्टेबल और 706 सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा आरंभ की जाए। मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए भी ये जानकारी शेयर की है। जैसे कि दोस्तों कल मैंने आपको बताया था ट्विटर का अकाउंट भी बताया गया था, एग्जाम का जो कटिंग था वो भी बताया था और जो उनका फेसबुक पेज पर लिखा हुआ था वो भी सारी जानकारी मैंने कल आपको वीडियो में दी थी। यहाँ पर अब नीचे बताया गया है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए पिछली सरकार ने भी 2 भर्तियां निकाली थी। ऑनलाइन परीक्षा में भी धांधली के बाद उन्हें निरस्त कर ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया था। वर्तमान में पिछली भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण चल रहा है। आपको बता दें कि जुलाई 2018 से ही सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ने से रिक्त पदों की संख्या भी बढ़ती है। राजस्थान पुलिस भर्ती के लिए सरकार द्वारा अनुमति के विभाग जल्दी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पुलिस विभाग ने जुलाई महीने की शुरुआत में ही नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकता है। पदों का वर्गीकरण जिलेवार किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों नोटिस करने वाली बात है, पुलिस विभाग द्वारा जुलाई महीने में ही आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और 99.99% संभावना है आपका जुलाई महीने के लास्ट वीक तक आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पदों की संख्या वो भी इस बार जिले वाइज वर्गीकृत की जाएगी। आगे दोस्तों अपडेट बताया गया राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती परीक्षा 2016 से चल रही है। पिछली सरकार में उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के कई बार आवेदन कराए गए हैं। आयु सीमा सहित पदों की संख्या में संशोधन किया गया है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी अभी जारी नहीं की गई है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ये भी दोस्तों आपका पैटर्न वो पिछली बार जो रखा गया था वही सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। सारी दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा पिछली भर्ती परीक्षा की तरह ही समान होने वाली है। देखा जाए तो पिछली बार से ज़्यादा आवेदन इस बार आ सकते हैं। पिछली भर्ती में 16 लाख आवेदन आए थे। इस बार आयु सीमा को लेकर सरकार द्वारा छूट दिए जाने को लेकर संशय है। पिछली भर्ती में अभ्यर्थी न्यायालय चले गए थे, सरकार द्वारा भर्ती निकाले जाने की देरी के कारण आयु सीमा में छूट दी गई थी। तो इस बार भी दोस्तों आपके आयु सीमा में छूट को लेकर कुछ बढ़ोतरी की जा सकती है और साथ ही साथ पिछली बार 16 लाख आवेदन आए थे, इस बार वहां से आपको ज़्यादा ही आवेदन देखने को मिलेंगे। जो आपके दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 16 जुलाई के आप देखा जाए तो 16 जुलाई के बाद में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की देखने की बहुत बड़ी संभावना है। लास्ट वीक तक बोल सकते हैं लास्ट वीक तक आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और 16 लाख लगभग फॉर्म भरे गए थे। तो दोस्तों और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो लगभग जुलाई के लास्ट वीक तक आपका ऑनलाइन स्टार्ट होने का लिंक एक्टिवेट हो सकता है। जैसे कोई लिंक एक्टिवेट होगा या फिर ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी होता है सबसे पहले अपडेट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। वीडियो के बारे में कुछ सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी जरूर कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।